हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ हमारे विंटेज लुकिंग वॉल क्लॉक का मेकओवर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरी वॉल क्लॉक है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और इसकी पॉलिशिंग भी काफ़ी हट रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक मॉडर्न लुक दिया जाए। सो सबसे पहले इसके पीछे जो ये पेंडुलम वाला स्टैंड था, मुझे ये निकालना होगा क्योंकि इसका पेंडुलम टूट गया था। सो मैं इसको कुछ मॉडर्न लुक देने वाला हूँ। तो इसके पीछे सिंपली दो स्क्रू थे जिनको मैंने अनटाइट करा। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। तो गाइस, ये मैंने इसको निकाल दिया। ये मुझे एक सर्कल टाइप की क्लॉक मिल गई है। तो अब इस पर करते हैं कुछ कारिस्तानी। सो मैंने ले लिए हैं हमारे फैब्रिक पेंट। मैं ज़्यादातर फैब्रिक पेंट का यूज़ करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं। तो गाइस, जब तक मैं इस पर पेंट कर रहा हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट करें। एंजॉय द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग गाइस। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. तो ये पेंट हो चुकी है और मैंने इसे सूखने के लिए रख दिया था। ये कुछ इस तरह लग रही है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें डबल कोट भी मार सकते हो, बट मेरा सिंगल में हो गया क्योंकि ये वुडन टेक्सचर में थे और वुडन पे काफ़ी जल्दी पेंट चढ़ता है। और मैंने कार्डबोर्ड को सेम वॉल क्लॉक की शेप का काटा था और मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा था। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट आइडिया हो सकता है आपके लिए, आपको पता चलेगा। सो सबसे पहले क्लॉक के जो स्क्रूज थे वो मैंने निकाल लिए क्योंकि मैं जो ये कार्डबोर्ड का पीछे इसे इसमें अटैच करूँगा। क्योंकि हम इसको आपने देख लिया होगा थंबनेल में, मैंने इसको स्ट्रिंग्स वाला लुक दिया है। तो उसको लगाने के लिए मुझे कार्डबोर्ड की हेल्प चाहिए थी। अगर हम स्ट्रिंग्स को सीधे क्लॉक पे लगा देते तो उसका यू नो टेक्सचर बिगड़ जाता है, और जैसे कभी आपकी क्लॉक ख़राब भी होती है तो आप वहाँ पर ठीक करवा ले जाओगे तो आपकी क्लॉक में जो हमने लुक दिया वो बिगड़ भी सकता है। तो मैंने इसको अटैच कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से और मैं इसमें स्क्रू टाइट कर रहा हूँ ताकि ये कार्डबोर्ड हिले ना। इसके एक एक करके स्क्रू टाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रू वाली घड़ी ना हो तो आप ग्लू गन से या टेप से किसी से भी बस इस कार्डबोर्ड को पीछे अटैच कर सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप इसे अटैच ना करें, सीधे आप अपनी क्लॉक पे ही स्ट्रॉस लगा सकते हैं। बट मैंने काफ़ी यू नो केयरफुल होकर ये डिसीजन लिया क्योंकि अगर मेरी क्लॉक ख़राब भी हो जाए तो मैं इस कार्डबोर्ड को निकाल के दूसरी क्लॉक पे भी लगा सकता हूँ ताकि मुझे सेम वही लुक दूसरी क्लॉक पे भी मिल जाए। वरना दोबारा इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा टाइम प्रोसेसिंग होता है। गाइस, इन स्क्रूज़ में टाइट कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रूज़ थे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगे क्योंकि इनमें बहुत पुरानी क्लॉक हो गई थी, स्क्रूज़ में काफ़ी जंग लग गया था। तो इनको खोलना बंद करना बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग गया। सो गाइस, ये मैंने पूरी तरह फिट कर दिया है कार्डबोर्ड इसमें। अब मैं इसमें मेजर करूँगा, मुझे स्ट्रॉज लगाने तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी। तो मैंने एक स्केल की मदद से पहले प्लस के साइन के हिसाब से मार्किंग की है जिसमें बिल्कुल मुझे स्ट्रॉज की शेप बिल्कुल सीधी सीधी आनी चाहिए। मैंने हर स्ट्रॉ में दो दो या तीन तीन इंच का फ़र्क रखा है तो मैंने इसमें मार्किंग कर ली है। जस्ट टू रफ मैंने मार्किंग करी है। मैं स्ट्रॉ देता हूँ, अगर गाइस आपको पता ना हो तो मैंने स्ट्रॉज से सीलिंग लैम्प भी बनाया, उसके वीडियो मैं आपको थंबनेल में उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। लैंप्स मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाए थे। सो गाइस, अब मैं इसके पाइप को ग्लू गन की मदद से चिपकाऊंगा। जहाँ मैंने मार्किंग की थी वहाँ पे मैं पहले अपना पहला पाइप चिपकाऊंगा। बिल्कुल स्ट्रेट आपका पाइप चिपकना चाहिए। आप देख सकते हो आगे से भी घड़ी को मोड़ के कि आपका पाइप स्ट्रेट है कि नहीं। अगर आपको ये चारों पाइप स्ट्रेट लुक मिल गए तो आप दो दो इंच छोड़ के बाकी पाइप लगा सकते हो। सो गाइस, मैं देख रहा था कि मेरा पाइप स्ट्रेट है कि नहीं और मैंने उसी के सेम नीचे डायरेक्शन में दूसरा पाइप भी लगाया है। अब मैं इसको साइड वाइज भी लगाऊंगा। दो पाइप मेरे लग चुके हैं। ग्लू गन काफ़ी ज़्यादा हॉट होती था, आप इसके साथ काफ़ी केयरफुल रहिएगा। एंड मैंने अब बाकी सारे पाइप्स लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, मैंने दो दो इंच छोड़ के पाइप लगाना स्टार्ट करा है ताकि इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक मिले। पाइप लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि प्लास्टिक की पाइप थी और ग्लू गन हॉट थी तो काफ़ी पाइप पिघल भी रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी ग्लू गन को कूल डाउन होने दिया और फिर लगाया। तो गाइस, मैंने पहले इसमें दो दो इंच का फ़र्क रखा, मुझे घड़ी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी तो मैंने एक एक इंच का कर दिया क्योंकि ज़्यादा पाइपिंग वाले लुक से घड़ी बहुत ज़्यादा वो लग रही थी। मैंने सेम ये घड़ी गूगल पे देखी थी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी तो मैंने सोचा आई शुड ट्राई इट बाय माई सेल्फ।
तो गाइज ये स्ट्रॉ स्टिक करने का प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा लंबा था और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है। सो गाइज इसमें अब स्ट्रॉ तो सारे अटैच हो गए, तब बारी है हमारे दोबारा फैब्रिक पेंट की। ये ब्लैक फैब्रिक पेंट मेरा फेवरेट बन चुका है, सो मैं इसी से स्ट्रॉज पेंट करूँगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी सीलिंग लैम्प वाली में इसी से स्ट्रॉज पेंट करे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पेंट हुए थे। बट ये स्ट्रॉज प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए इस पर पहली बारी में कोट नहीं चढ़ता, तो आपको इसको सिंगल कोट मार के थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ना होगा, फिर डबल कोट मारनी होगी जब ये कलर आएगा। बट कलर काफ़ी सुंदर आता है, मैट फिनिश आती है और एक ज़्यादा जल्दी निकलता भी नहीं है, धोने से निकलता है और आप क्लॉक को तो धोने वाले हो नहीं, तो इसलिए आपको यही ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप और भी जो कलर आपके बजट में वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके स्ट्रॉज को धीरे धीरे पेंट करना शुरू करा। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं था, बिकॉज सिंगल सिंगल स्ट्रॉ को पकड़ के पेंट करना पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। एंड गाइज ये एक एक करके स्ट्रॉज मैंने पेंट करने स्टार्ट करे, बस मैंने थोड़ा सा स्पेस एंड में छोड़ दिया जहाँ से मैं स्ट्रॉज को ग्रैब कर रहा था, और मुझे धीरे धीरे इसको सिंगल सिंगल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। सो मैंने आपको स्किप करके दिखा दिया है कि ये मैंने सारे स्ट्रॉज पेंट कर दिए, अच्छे से सूख गए हैं और मैंने डबल कोट भी मार दिया है। सो गाइज दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ, बट ये ऐसी नहीं होने वाली, मैं इसको कुछ मॉडर्न तड़का दूंगा। मैंने नॉर्मल ऐसे देखी थी पर मुझे अपना भी कुछ इसमें डालना था, तो मैंने इसके लिए नया वो सोचा है कि अब मैं इसको दूंगा अनइवन लुक। जी हाँ, जो मैंने स्ट्रॉज लगाए हैं वो टोटल आई थिंक अराउंड 36 स्ट्रॉज लगे हैं इसमें, या 28 के बराबर है। तो मैं इसमें से एक एक स्ट्रॉ थोड़ा छोटा लेंथ में काटूंगा, दो दो या तीन तीन इंच छोटा काटूंगा, ताकि इसमें यू नो काफ़ी इवन अनइवन वाली लुक आ सके। तो मैं एक एक स्ट्रॉ काट रहा हूँ, आप देख सकते हो साइड से कि एक स्ट्रॉ बड़ा एक स्ट्रॉ छोटा, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। एंड इसको भी काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये ऐसे क्या कहते हैं एक एक पाइप को ढूंढ के देख के कि कितने स्ट्रॉज हैं, काटना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। ये वीडियो मेरे लिए बनाने में जितनी डिफ़िकल्ट थी बनाने में, उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी शूट करने में। तो गाइज़ ये है मेरी प्रोसेस, एंड गाइज़ ये आप देख सकते हो मैंने दो दो इंच छोड़ के सारे स्ट्रॉज काट दिए हैं, अब कुछ ही स्ट्रॉज रह गए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैं आपको इसका एंड रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये लगी हुई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, आप देख सकते हैं।